उठाएंगे। इस तरह से कहा गया है, जयपुर से बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर पेपर आउट ऑडियो मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ये कहा कि इस मामले की जांच करना पुलिस का काम है, जाटावत ने कहा है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत ने कहा कि भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर चुके हैं, सावधानी के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा होगी। इस तरह का कोई मामला आया है तो पुलिस काम करे। हालांकि इंडिया न्यूज मामले की ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अरे कमरा पे अलग ही रखो बंदा ने, वो दूसरे दिन एग्जाम दुआ लो उसके बाद का मैंने फिर सिलेक्शन है लो ना फाइनल सिलेक्शन जब 10 लाख रुपए जल्ले लो 13 लाख हो जाए आपने कोई लेने देने को डायरेक्ट आप बात करे थे पार्टी 13 लाख रुपए बहुत ज्यादा 3 लाख तो पेपर का 3 लाख तो पेपर का आंसर की टाइप होने वो सिर्फ पेपर दे लो पेपर और बिल्कुल सेम टू सेम मिले लो। हाँ क्वेश्चन सेट हो सके सीरीज नंबर कोई कोई ये सीरीज में आगे तो पहला क्वेश्चन 5वां नंबर पर आ जाओ वही अलग बात है। टोटल क्वेश्चन मिलना चाहिए मेन बात यहाँ से सही जाओ ठीक है ना। तो 3 लाख रुपए ले लो जनरेटर पेपर दे दे लो रात में रख लो सुमारे एग्जाम बाकी गाड़ी से एग्जाम दुआ दे लो अभी तुम गारंटर है अभी तुम गारंटर बनो जब तुमने बार को गाल दे 3 लाख भाई साहब उसको तो गारंटर आप आ जाना टेंशन क्यों बोल रहे गारंटर इसमें कोई दिक्कत ही को ना गारंटर को मतलब याद है बेकूफ आदमी 3 लाख रुपए भी कहे ना उसको ऐसे आदमी से जी कम बीच में रखो जला आप पेपर पेपर 100% मिल गो आंसर की पूरी रात तू नेट पर देखे जाइयो वो आंसर की कौन देना आंसर वो पेपर दे दिला शाम में या मान लो 9 बजे जैसी अब होटल रूम में घुसा दिला तुम एक जन लेडीज से तो लेडीज रहोली लेडीज के साथ में सीधी सी बात है नाइट में पूरी में सही जाओ भाई वाकई लेडीज रह जाओ लेडीज कोई कोई अगर कैंडिडेट लेडीज से तो और अगर जेंट्स से तो जेंट्स रह जाओ लो सुबह और वो जो मोबाइल से ना वो खुद को मोबाइल का है नाम सो बात करने रहो लो मतलब कोर्ट को तो यार बता तो दियो तो ना की थी गाड़ी तो कोर्ट को तो एक होता ना क्लियर मैटर क्लियर करना करके जो गाई छोरो जमा गांव का करा दियो और यहां पे कौन मैं उसे बात कर रही थी या के कुछ भाई साहब एक जना को मैं कोई लग एक जना को लगा रही थी मैं जो या कह रही थी यार मैं देखो कोशिश करता हूँ इसका भी अगर होता है तो बाकी 3 लाख को एग्रीमेंट कर लेगा पैसा की बजाय हां एग्रीमेंट कर लिया कौन कैसा मैटर में भाई साहब कैश पेमेंट ले लो कोई एग्रीमेंट करो मैं पार्टी में मिला हूँ आमने सामने मैं तो एक माध्यम बन रही हूँ यार तो ये बात निकाल ले मैं तो एक माध्यम छू भाई कुल मिला का ना उसको 3 लाख तरह खार भाग जाओ की जिम्मेदारी हमारी है सेठ तो मैंने कैसे कैसे बोलो मत मान अगर 3 लाख दे और पेपर अगर नहीं मिले सेम टू सेम पेपर है ना भाई क्वेश्चन नंबर लगा सके तो पहले क्वेश्चन दूसरा नंबर पा सके तो बड़ी खबर है। कल एग्जाम होने वाला है लाइब्रेरियन के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए कल एग्जाम है उससे पहले पेपर आउट हो गया। हालांकि विभाग के अध्यक्ष का कहना है कि ये काम पुलिस का है हमारी तैयारी पूरी है ये काम पुलिस करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ध्वज आर्य जुड़ चुके हैं। ध्वज विभाग तो ऑडियो से पल्ला झाड़ रहा कह रहा हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है लेकिन पुलिस क्या कर रही है पुलिस की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया। ध्वज आप तक आवाज पहुंची हमारी चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता ध्वज से लेकिन बड़ी और अहम खबर है कल पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा है और उससे पहले ये ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर पेपर आउट का ऑडियो सामने आया पेपर की खरीद फरोख को लेकर ऑडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष ने बीएल जाटावत ने बयान दिया है कि हमारे पास खबर नहीं है पुलिस कार्रवाई करे ऐसे अगर कोई केस है। ज्यादा जानकारी के साथ ध्वज आर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ध्वज विभाग पल्ला झाड़ रहा है लेकिन पुलिस विभाग का क्या कहना है क्या संज्ञान लिया गया अब तक। आयोजन कल होने वाला है और पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर एक दिन पहले एक ऑडियो वायरल होता है और दो दलालों के बीच की जो बातचीत है उसमें 13 लाख रुपए के अंदर इस पूरी परीक्षा का पेपर
देने की बात कही जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो एग्जाम का जो पहले से जो पेपर वो देंगे वो पूरी की पूरी सेम कॉपी आएगा और कोई भी जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन पूरा पेपर सेम देने की पूरी तरीके से पूरा पेपर जो है वो देने की बात कही जा रही है। तो दो दलालों के बीच की ये बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है जी, इसको लेकर पूरी तरीके से ये जो परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड उनके जो अध्यक्ष हैं बीएल जाटावत, उन तक जब ये पूरा मामला पहुंचा और उसके बाद जब उन ऑडियो की बात जब पूछी गई इंडिया न्यूज ने जब उनसे पूछा तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि एग्जाम की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से उनकी तरफ से पूरी हैं और जो एग्जाम की जो पेपर हैं सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की ये जो घोटाले की बात कही जा रही है और एग्जाम के पेपर की लीक होने की बात कही जा रही है और कुछ एक बड़ी रकम की जो बात कही जा रही है ऑडियो की बात पर उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर ये पुलिस का काम है और पुलिस इस पूरे मामले को देखेगी, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, उनकी तरफ से तो सारी जो एग्जाम की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पूरी हैं। बिल्कुल ध्वज, इस पर क्या पुलिस विभाग का कोई पक्ष सामने आया, क्योंकि एग्जाम बहुत जरूरी है, भविष्य का सवाल भी इन छात्रों के अभ्यर्थियों की, और उसमें अगर कहीं से भी लूपहोल है क्या विभाग की तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से संज्ञान लिया गया है इस पर? देखिए इस तरीके के मामलों में पहले एसओजी ने पहले भी खुलासे किए हैं और एक बड़े गिरोह का जो है पर्दाफाश भी एसओजी की तरफ से किया गया था। इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारियों से जब हमारी बातचीत थी तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि ऑडियो की जो है जांच कराई जा रही है, ऑडियो कहाँ का था इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है क्योंकि ये पेपर जो है वो कल होना है और कल किस तरीके से इनके पास क्या जानकारी, सबसे पहले तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन दोनों जो वायरल वीडियो में दो लोग जो बात कर रहे हैं, जो दो दलाल बात कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी जुटाना और उसके बाद में कौन सा पेपर इनके पास था, किस तरीके के जो क्वेश्चन देने की बात इनके द्वारा कही जा रही थी वो पहले बरामद करना और उसके साथ साथ में जो कल जो एग्जाम का जो एग्जाम होना है उसके जो पेपर आएगा उससे इनके पेपर का मिलान करना, ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि इस तरीके का ऑडियो जो वायरल हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और इनके जो नंबर हैं वो ट्रेस किए जा रहे हैं। जी ध्वज, कितना संगीन मामला हो सकता है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई पर इसके बावजूद सवाल वही है, भविष्य का सवाल है अभ्यर्थियों के। देखिए जिस तरीके से राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं बीएल जाटावत, उन्होंने कहा है कि कल पूरी तरीके से ये जो पेपर है सुरक्षित तरीके से होगा, पूरी सावधानियां बरती जाएंगी और पुलिस प्रशासन को उन्होंने सूचना दे दी है। उसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये जो परीक्षा हो रही है, हालांकि दावा उन्होंने पूरा किया है कि ये जो परीक्षा है सुरक्षित तरीके से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में भी अब संशय बना हुआ है। जिस तरीके से ऐसे एग्जाम होते हैं सरकारी नौकरी की, जो आशा उन्हें होती है कि सरकारी नौकरी में वो जाएंगे, इतनी मेहनत से वो सरकारी नौकरी में जाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद में जब इस तरीके की जब बातें सामने आती हैं कि कुछ पैसों को देकर आप इस पेपर को खरीद सकते हैं और एग्जाम में पास हो सकते हैं, हालांकि सीधी भर्ती है इसमें, बिल्कुल सीधी भर्ती है और पुलिस ने संज्ञान ले लिया। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।